नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इसके कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर, जैसे कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे SD यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका परसेंटेज वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है जिसकी 10 क्लासें हो चुकी हैं। उससे आगे के क्वेश्चन तुम्हें आज कराए जाएंगे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और जिसे वीडियो चैप्टर वाइज देखनी है वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 पर आ जाए। इसमें क्या है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त करे जो 5% से 5% अधिक थे। ये जो 273 नंबर इसने प्राप्त करे हैं ये पास होने से 5% अधिक थे। तो परसेंटेज में कोई भी पूरा काम 100% होता है, और ये नंबर 273 जो हैं पास होने से 5% अधिक हैं, तो आप इन्हें 105% बराबर मान लेंगे। ये जो 273 नंबर हैं ये 105% के बराबर हो जाएंगे, 273 नंबर, ठीक है। और पास होने के लिए 100% नंबर चाहिए ये मान लें आप। यदि लोकेश को 312 अंक मिले हों तो उसने पास से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होगी। तो एक काम करें, पहले आप ये पता लगा लें कि पास कितने नंबरों पे होना है, तो वो 100% पे होगा। आप यहाँ से इसका 100% निकाल लें, ठीक है। तो 100% कैसे निकालेंगे, इससे इसे भाग करें तो ये इससे जो कटेगा आपका 26 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा ये इससे, जैसे एक निकालना है तो 105 से दोनों तरफ भाग करेंगे तो 273/105, ठीक है। अब 100 निकालना है 100%, क्योंकि 100% पे हमने पास माना है, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो 273/105 गुणा 100। तो इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं इस तरह ही। तो ये तो एक हो गया, और जो निकालना है उसके ऊपर गुणा कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, तो ये तो 5 से काट लें पहले आप, 5 × 2 = 10 और 5 × 5, और 5 से इसे काट दें, ये 20 बार कट गया है, ठीक है। अब 21 से अगर इसे हम काटते भी हैं तो 21 × 21, देखो 21 × 21 बच्चे 6 हो गए 63, तो 21 × 63, तो इससे 13 बार कट गया, तो ये फाइनली रिजल्ट जो आएगा 13 × 2 = 26, 260 आ गया। तो 260 नंबरों पर पास है, क्योंकि 100% पे हमने पास माना है, तो 100% निकल के कितना है 260, तो 260 पे पास हैं। और अब आपसे इसने ये कहा है कि लोकेश के नंबर आए हैं 312, लोकेश के नंबर कितने हैं 312 नंबर हैं लोकेश के, और ये पूछा गया है तो उसने पास अंक से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होगी। तो कितने अधिक हैं इसके नंबर पास से ये चेक कर लें, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, 11 में से 6 × 5, तो 52 नंबर अधिक हैं। तो अधिक परसेंट निकाल रहे हैं ना, अधिक परसेंट निकालने के लिए ऊपर तो उन दोनों का अंतर ही रखते हैं और बटे में उन दोनों में से छोटा वाला रखते हैं, तो इन दोनों में से छोटा कौन है 260 है, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये कर दिया 0 ये, और 13 × 54 और 13 × 2 = 26 और 2 × 2 = 4, तो ये कितना आ गया 20% आ जाएगा। इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 20%, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्र वाले तीन समूह हैं, क्वेश्चन नंबर 112 पर आ जाएं। 112 समूह ए में कितने छात्र हैं, समूह ए में जो है 40 छात्र हैं, समूह बी में कितने छात्र हैं 50 छात्र हैं, और समूह सी में कितने छात्र हैं, समूह सी में जो हैं 60 छात्र हैं, ठीक है। ये मान दिए हैं, माने क्या हैं। अब ये इसने कहा है उन तीनों समूह भाग लिया और उनका उत्तीर्णता प्रतिशत, पास होने का परसेंटेज क्रम से 100%, 90% और 80%। इस समूह के 100% छात्र पास हुए हैं, तो 40 का 100% तो 40 ही, तो 40 के 40 ही पास हो गए, और इस समूह के 90% पास हुए हैं, तो इसका जब आप 90% निकालेंगे परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, तो ये और ये जीरो तो कट जाएगी, तो 9 × 5 = 45 पास हुए हैं, और इसका 80% पास हुए हैं, तो परसेंटेज ये जो है इसे हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 8 × 6 = 48, तो इसमें 48 हुए हैं। तो उसने आपसे क्या बूझ लिया है फिर इस क्वेश्चन में, वो बोल रहा है तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है।
सबका टोटल 3% भूज रहा है, तो टोटल पास यही तो इन्हें जोड़ लें, 5 और 8 13 और 12 और 1 13, तो 133 पास हुए हैं। कितनों में से? 40, 50, 90 और 60, कितने 150 में से। तो 150 और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बस अब आप इसकी कैलकुलेट कर लें, तो 50 से कट रहा है ये 3 बार और 50 से ये 2 बार, 3 से ही कटेगा नहीं, गुणा कर दें, 3 दूनी 6 और 2/3 परसेंट ये यहाँ रहना ही है, तो 3 8 24 बचे 2, फिर 26, 3 8 24 बचे 2, तो ये 88 से ही 3/2% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पर आ जाए। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने मिले हैं। 4 हैं ए, बी, सी और डी, और डी को अंक मिले हैं 320। ठीक, ए के आपसे पूछे गए, तो आप सी और डी में रिलेशन देख लें इसमें, तो इसमें ये कहा गया है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं, तो सी को जो है डी से 25% अधिक मिले हैं, तो जिसका भी 25% निकालना होता है उसे 4 से भाग कर देते हैं, तो आप इसे अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32, तो ये 80 आ जाएगा, तो सी को 80 अधिक मिले हैं डी से, तो ये कितना हो जाएगा 400। अब आप बी में और सी में रिलेशन देखें, तो बी और सी के लिए क्या कहा, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, बी को इससे 10% कम मिले हैं, तो 400 मिले हैं सी को, तो सी का 10% जिसका भी निकालना होता लास्ट की जीरो हटा देते हैं, तो 40 हो जाएगा, और इसे कम मिले हैं 40, तो 40 इसमें से घटा दें तो इसे कितने मिले, 360। अब ए और बी में रिलेशन देखें, ए और बी में क्या, ए को बी की अपेक्षा 25 अधिक मिले, तो ए को इससे 25% अधिक मिले, तो जिसका भी 25% निकालना होता है उसे 4 से भाग करते हैं, जैसे 4 से भाग तो 4 निम 36, तो 90 अधिक मिले, तो इसे 90 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये 450 हो जाएगा, तो वो ए के ही बूझ रहा था, तो ए को कितने नंबर मिले हैं, 450 नंबर मिले हैं। इससे आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 114, इसमें क्या कहा गया है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो परसेंटेज में एक काम करें, आप ये मान लें कि टोटल 100 थे, टोटल कितने थे 100, और 100 का जो 40% छात्रों को तो ग्रुप ए दिया गया, तो 100 का 40% तो 40 ही होगा, इन्हें तो ग्रुप ए मिला है, कौन सा ग्रुप मिला है, ए मिला है, और फिर कह रहा शेष के 75%, तो शेष कितने बचेंगे, 100 में से 40 को तो ग्रुप ए मिल गया, तो शेष बचेंगे 60। अब 60 के 75% को क्या मिला है, 60 के, इसने शेष बोला इसलिए 40 को 100 में से घटाना होगा, और ये बोला गया है कि शेष के 75% को ग्रुप बी मिला है, तो इसका 75% निकाल लें, तो 75% होता है 3/4, कितना होता है 3/4, तो 4 से 15 बार कटेगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, तो 45 को ग्रुप बी मिला है, और फिर कह रहा है शेष जो बचे हैं वो 12 बता रहा है कि ये शेष 12 को सी दिया गया है, तो हमारे अकॉर्डिंग शेष कितने बचेंगे, ए और बी में टोटल कितने हुए हैं अभी, ये 85 हुए हैं, और टोटल छात्र हमने कितने माने थे, 100 माने थे, टोटल छात्र कितने माने थे 100, तो 100 और 85 में कितने का अंतर है, 15 का, तो हमारे हिसाब से तो शेष 15 बचने चाहिए, जबकि इसके हिसाब से 12 बच रहे हैं, तो शेष बराबर शेष रख दिया, तो 15 बराबर 12 यहाँ पर रख दिया है। अब आपसे बूझ क्या रहा है ये, इसमें इसने बूझा है आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, तो वो हमने 100 मानी थी, तो एक निकाल के 100 निकाल दे, तो ये तो हो गया एक, और 100 से गुणा कर दे जो निकालना होता है, अब इसे आप चेक कैलकुलेट कर ले, तो 3 से काट ले, 3 5 15 और 3 4 12 और 5 से कितनी बार कट जाएगा 20, तो 20 4 कितना हो जाएगा 80, तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, 80 थी। ठीक है, इससे आगे आ जाएँ, 115वें क्वेश्चन पर आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 115, इसमें क्या कहा गया है,
एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को कितना मिला है पूर्णांक का, कितने परसेंट बोझ रहे हैं। तो वही है, चार है ये ए बी सी और डी, और डी के लिए ही बोझ रहा है। तो आप ये मान लें डी को 100 मिले हैं, डी को कितने मिले हैं 100 नंबर मिले हैं, और सी में और डी में रिलेशन देखें, सी को डी की अपेक्षा 20 कम मिले हैं 20%, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो 20 कम मिले हैं 80। अब बी में और सी में रिलेशन देख लें तो बी और सी के लिए क्या कहा गया, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, बी को इससे 25% अधिक मिले, तो इसका 25% कितना होगा 80 का, जिसका भी 25% निकालना होता है उसे 4 से भाग करते हैं, तो इसका 80% हो गया है 20, क्योंकि 4 से ये 20 बार कट जाएगा, तो इसे 20 अधिक मिले इससे, तो इसे मिले 100। ठीक है, अब ए और बी में रिलेशन देख लें, तो इसने ए और बी के लिए बोला है ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, तो बी को तो 100 मिले, तो 100 का 10% तो 10 ही होगा, तो 10 कम मिले तो इसे मिले 90। तो हमारे अकॉर्डिंग इसे 90 मिले, जबकि किताब वाले के अकॉर्डिंग ए के कितने मिले हैं 360। बराबर रखने के बाद ए की निकालते हैं, तो 90 से जब भाग करेंगे तो 0 से 0, 9 कम 9, 9 चौक 36, तो 1 बराबर 4। अब वो डी के लिए पूछ रहा है, तो डी को कितने माने 100, तो 100 निकाल दें, तो डी को कितने नंबर मिले हैं 400। पर वो नंबर नहीं पूछ रहा, वो आपसे ये कह रहा है कि डी को कितने परसेंट नंबर मिले हैं और पूर्णांक के 500 का। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, जितने मिले बटे टोटल गुना 100। 100 की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि 4/5 कितना होता है 80% होता है, तो डी को 80% नंबर मिले। ठीक है, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं उनमें से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, तो परसेंटेज में टोटल 100 होता है, तो 100 में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, तो योग्यता प्राप्त कितनों ने करी होगी, 75% ने। ठीक है, तो योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, तो योग्यता प्राप्त वालों की इसने संख्या दी है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 75% है योग्यता प्राप्त करने वाले। क्यों है, क्योंकि 25% ने योग्यता प्राप्त नहीं करी है, तो टोटल 100 में से 25 गया, तो 75% ने करी है, और इनकी संख्या उसने दी है, तो इनकी संख्या कितनी दी है उसने 450। अब ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी, तो वो तो 100 पे निकलेगी, तो पहले तो एक निकालें, तो ये इसके बट्टे में आ गई, तो एक हो गया, और जो निकालना होता है उसकी गुणा कर दें, तो ये 100 हो गया। ठीक है, 100 ही निकालना है, तो 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45। ठीक है, और 5 × 6 = 30, तो 100 × 6 = 600। तो 600 जो थे वो परीक्षा में बैठे थे, कितने बैठे थे 600। इससे आगे चलें, 116 तक हम पहुंच चुके हैं। 117वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 117। इसमें क्या है, 117 में इसने बोला है एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो 2 वर्ष बाद का मूल्य बूझ रहा है, इसका मतलब ये ए बूझ रहा है, तो पी इसने आपको दिया, ये फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 ± r/100T। ठीक है, इसमें ए माने आफ्टर मिस बाद होता है, पी माने प्रजेंट और पास्ट होता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपसे पहले का मूल्य पूछ रहा है या बाद का, तो ये 2 वर्ष बाद का कीमत पूछ रहा है, तो इसका मतलब ए पूछ रहा है, तो इसने वैल्यू पी की दी है, ये जहाँ जो भी है, तो वो वैल्यू कितनी है 50,000 है, तो ए बराबर 50,000, और अगर वैल्यू घटेगी तो प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, और बढ़ती है तो प्लस लेते हैं, तो 10% घट रही है, तो इसे क्या कर लेंगे 1 − 10/100। ठीक है, 0 से तो 0 ही कट जाएगा, और ये कितना है, कितने वर्ष के लिए बूझ रहा है, 2 वर्ष बाद बूझ रहा है, तो टी की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10, और 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो ये 50,000 × 9/10 का क्या है स्क्वायर है, तो इसे ऐसे कर ले 9/10, तो 2 बार कर लिया ये। ठीक है,
तो इसमें करना क्या होगा हमें, ये दो जीरो से तो दो जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगे और नोनिम 81, तो 81 की और 500 की गुणा आप कर देंगे यहाँ पे, 81 और 500 की, तो लास्ट के दो जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, तो 5 एकम 5 और 5 8 40, तो ये आ जाएगा 40,500 इसकी कीमत थी। ठीक है, इससे आगे चलें 118 पे, क्वेश्चन नंबर 118। इसमें क्या है, किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 था तो पिछले वर्ष क्या था। तो पहले का बूझ रहा है, इसका मतलब पी बूझ रहा है, तो इसने क्या दिया आपको, ए दिया है। ठीक है, तो ए कितना दिया है, 19,800, तो ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 माइनस लेंगे, और दर कितनी है इसकी, दर है इसकी 10/100, और पिछले वर्ष का मतलब एक साल का ही है ये क्वेश्चन, तो ये कितना हो जाएगा, 19,800 बराबर पी, और 10 एकम 10, तो 10 में से एक चला जाएगा, तो 9/10 बचेगा। ठीक है, 9 से आप यहाँ काट दें, 9 दूनी 18, ठीक है, 10 की इधर गुणा कर दें, तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 22,000 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आएगा 22,000। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 119 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है, इसने पूछा है, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है, यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन था, तो अक्टूबर 2001 में पूछ रहा है, तो 2000 से 2001 तक 2 वर्ष हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई से स्टार्टिंग है और ये अक्टूबर में पूछ रहा है, तो इसलिए 2 वर्ष काउंट होंगे इसमें। ठीक है, तो बाद के लिए पूछ रहा है, तो ए ही आपसे पूछा है, तो ए बराबर फी इंटू, तो पी कितना है इसमें, 15,000 आपको दिया है इसने फी, 15,000। ठीक, और इससे आगे दर बढ़ रही है, तो 1+R कितना है, 10/100, और 2 साल लिया जाएगा, 1 साल नहीं लिया जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 15,000 गुणा 10 एकम 10, अरे 11/10 की घात 2 है, तो ये 11/10 ऐसे कर लें। ठीक है, तो 2 जीरो तो आपके कैंसिल हो गई हैं ये, और 11 11 में कितना होता है, 121 आपका होता है, तो 15 की गुणा कर दें इसमें, लास्ट की जीरो तो ऐसी आ जाएगी, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31 को 1 हासिल 3, और 15 एकम 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, तो 18,150 इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसे और कर लेते हैं, 120 क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है, इसमें इसने बोला है, महेश 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है, यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, हर वर्ष कितने की वृद्धि होती है, 15% की, तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्ष तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 हो गया था। तो इस बार इसने आपसे समय पूछा है, क्या पूछ रहा है इसमें, समय, तो इसमें ए तो हो जाएगा आपका 2,79,841 और पी कितना है, 1,60,000 है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आप रख दें, तो ए कितना है इसमें, 2,79,841, ठीक, और पी कितना है इसमें, 1,60,000। ठीक है, ये फी है, और ब्रैकेट में 1+ वृद्धि हो रही है, तो प्लस 15/100 ही करेंगे। ठीक है, और समय इसमें इस बार आपसे इसने पूछ लिया है। ठीक, तो 5 + 15 और 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो ये गुणा का इधर बटे में ले लें इसे आप, तो 2,79,441 और ये 1,60,000, ठीक है, बराबर, तो 20 + 20 = 23/20 हो जाएगा, ये 23/20 की पावर टी। अब समय बूझ रहा है ना, तो समय तो घात में, जब घात वाली वैल्यू बूझता तो आधार एक से कर लेने चाहिए, तो ये 23 का 4 है और ये 20 का 4 है, 20 की आप 4 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा, 23 की 4 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो इसे लिख लेंगे 23/20 की घात 4, ठीक, और बराबर 23/20 की घात t, जब आधार एक से होते हैं तो घातों को बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 120 तक कराए हैं, इससे आगे के क्वेश्चन मैं आगे की वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है।